एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो फटाफट से हम आ चुके लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि हमें करना है हमारा टारगेट कंप्लीट। सो बेसिकली आज हम टारगेट लेकर आए हैं कि हम कम से कम 5 से 6 स्लॉट लगा ही लें कम्प्लीटली। और मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी लाइब्रेरी आने के लिए, क्योंकि मैंने घर पर ही इंग्लिश की वोकैब को एक बार और रिवाइज़ किया था। इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहीं घर पे ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, एंड देन बाकी का वर्क हम कर लेंगे लाइब्रेरी में जाकर। सो आते से ही सबसे पहले मैंने एक जो लेसन मेरा इनकम्प्लीट था कॉलेज का, वो मैंने कंप्लीट करा। एंड देन इसके बाद कुछ काम बाकी था, मेरी क्लास वर्क, मतलब क्लास वर्क कॉपी तो नहीं होती है, बट हाँ एक असाइनमेंट में थोड़ा बहुत वर्क इनकम्प्लीट रह गया था, तो वो मैंने कंप्लीट किया फटाफट से। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी रेगुलर स्टडी को स्टार्ट किया। एंड बेसिकली जो भी है वो हम साथ में कवर करते जाएंगे, सो लेट्स डू। और ये बुक में मेरी एक बुक में एक मैप निकला है, इसमें लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो जाके फेमस है, मतलब जहाँ पर जो चीज़ें प्रसिद्ध है उसका सारा है। इस मैप को भी हम रिवाइज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉलेज का पढ़ लेते हैं। नाउ अभी हो चुका है हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट, क्योंकि इसके 2-4 कॉन्सेप्ट ही बाकी थे। सो नाउ अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट स्लॉट लगाएंगे अब हम, एंड वो होने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश के जो कंक्लूजन्स हैं होते हैं वो वाले मैं करने वाली हूँ, वो वाला हम चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। एंड साथ साथ में जो कल मैंने एडजेक्टिव करे थे उनको भी एक बार और हम रिवाइज करेंगे। तो फिर चलिए फिर इंग्लिश करते हैं। किस किस को इंग्लिश बहुत टफ लगती है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरी मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इंग्लिश करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टफ होती है। एंड जो हम पढ़ते हैं उसमें से तो कुछ आता नहीं है, एंड पता नहीं कहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, सो फिर भी हम कर रहे हैं। एंड क्योंकि कवर करने से ही सारी चीज़ें ईजी लगेगी, सो धीरे धीरे करके ही सही कवर अप करते जाएंगे। एंड लेट क्रैक्स। उसके बाद मैंने साइट चेक करा कि कुछ साइट पे कुछ आया है क्या नया इन्फो अपडेट, सो बट अभी तो कुछ है नहीं है ऐसा खास देखने के लिए। सो मैंने सोचा कि लेट्स डू रीजनिंग सेशन, और आज मैं लैपटॉप से इसलिए कर रही हूँ, मतलब बुक से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बुक नहीं लाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हैवी है वो। सो मैंने सोचा कि इससे ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो लगभग थोड़े बहुत मिलते जुलते ही होते हैं, एंड मेजरली तक कुछ डिफरेंस होता नहीं है। सो लेट्स डू रीजनिंग सेशन विथ वीडियो। सो लेट्स डू। बाय द वे इतने सारे स्लॉट मैंने एक साथ नहीं लगाए हैं, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लिए हैं। एक बार चाय पी है एंड उसके बाद लंच भी किया है, एंड इसीलिए मतलब इतने स्लॉट लगा पा रहे हैं, क्योंकि खाने में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक स्टडी भी नहीं होगी। सो उसके बाद सारे ही स्लॉट लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना ही काम किया जाए, तो फिर मैंने अपना चैनल ही देखा एंड खुद के ही ब्लॉग्स देखे थोड़े बहुत, एंड इनको एंजॉय किया। एंड उसके बाद मैं घर चली गई, क्योंकि अब मेरा आज का टारगेट कम्प्लीट हो चुका था। घर जाने के बाद खाना वाना खाया एंड थोड़ा बहुत यू नो मस्ती वस्ती करी, उसके बाद शाम को हम घूमने के लिए निकल लिए बाहर। सो
सो थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में आने के बाद थोड़ा सा माइंड का वर्कलोड है जो कम हो जाता है एंड थोड़ा फ्रीली फील होता है एंड लुक एट द व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एंट्रेंस बनाई हुई है एंड सनसेट भी होने लगा है, मतलब हो ही चुका है लगभग, बट मैंने इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया एंड बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था, सो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना चाहिए ये तो. एंड लुक एट द व्यू गाइस, मतलब इतना तो मतलब सनसेट नहीं है, बट हाँ हल्की सी जो रोशनी है सन की वो थोड़ी आ रही है क्योंकि आते आते ही हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे. सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एवरीवन.